हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने आपको फॉर्मूले की एक बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूले समझाए हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको थ्योरम करवा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, और जो सैम्पल पेपर्स की वीडियोज़ बनाई हैं प्रैक्टिस पेपर की, वो भी आप देख लेना, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहली थ्योरम में यह है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल उसके इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है इस वाले के, और ये वाला एंगल जो इस वाले के बराबर होगा, ये हमें यहाँ पर जो है प्रूव करना है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये प्रूव करना है हमें। तो ऐसी कोई भी थ्योरम आ जाए, तो सबसे पहले गिवन लिखना, और ये पूरा यहाँ क्वेश्चन में से उतारना होता है। टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, आप इफ टू लाइन, इफ तो लिखेंगे नहीं, टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, ये क्वेश्चन में से गिवन लिखना होता है। हिंदी मीडियम जो है वो अलग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? टू प्रूव क्या करना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, या ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, हमने एक लिख लिया। फिर प्रूफ आएगा, तो आपको क्या करना है, ये एक लाइन है, आपको पता होना चाहिए एक लाइन का जो टोटल होता है वो 180 होता है, तो ये 180 हो गया। ऐसे इधर से भी 180 होगा, इधर भी 180 होगा, तो ये हमने लिख दिया। देखो, हमने लिखा ए ओ सी और ए ओ डी, 180 है, और ऐसे ए ओ सी और बी ओ सी, 180। हमने एक लाइन ऐसे ले ली और एक लाइन ये ले ली, और इस तरीके से ये भी 180 बन गया। अब ये पूरा 180 के बराबर, ये पूरा 180 के बराबर है, तो आमने सामने बराबर हो गया, ये दोनों कट गए, तो ये दोनों बराबर आ गए, बस खत्म। देखो ना, सेम सेम से कट गए, तो 180 इसके बराबर है, 180 इसके बराबर है, तो ये दोनों आमने सामने लिख दिए। समझ आई? इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ा मैं मतलब डीपली जो है नहीं बता रहा, मतलब मेन मेन जो है वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और जल्दी से भी हो जाए। ये कह रहे कि साइड अगर अपोजिट जो है ना, जैसे ट्राइंगल है, तो साइड जो है अपोजिट, वो कह रहा है कि इक्वल होंगी अगर उसके एंगल इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। हमसे बोल रहे प्रूव करो कि यह साइड इक्वल होती है। आपने एक थ्योरम ये भी है इसमें, वो मैंने लिखी नहीं है, कि अगर साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहां पर मैंने उल्टे लिया है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी, करना ऐसी है। गिवन क्या है, एंगल इक्वल है, प्रूव क्या करना है, साइड इक्वल होंगी, और अगर उल्टा आ जाएगा तो ये ऊपर और ये नीचे लिख देंगे। अब इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंट वाला, तो उसमें तीन चीजें बराबर बतानी पड़ती हैं, ठीक है? तो ए बी बराबर ए सी के है, ये हमें प्रूव करना है। हमने इस पर कंस्ट्रक्शन कर ली, परपेंडिकुलर बना लिया, ये हमने 90 डिग्री का ले लिया, ठीक है? अब इन दो ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर बताओ, तो बी बराबर सी के होगा, ठीक है, और ए डी ए डी कॉमन हो गया। अगर ये लाइन ना होती, दो ट्रायंगल ना बनते, वही कर रहे हैं, ठीक है? तो ए डी बराबर ए डी, और हमने क्या लिया, ए डी बी बराबर ए डी सी, ए डी बी बराबर ए डी सी, हमने कंस्ट्रक्शन प्रूव करा कि ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये प्रूव कर दिया। देखो, हमने एक क्या ली, ये साइड ली, एक हमने ये एंगल लिया और एक हमने ये एंगल लिया, तो ए एस से हो गया रूल। ये कौन से रूल्स हो गए, ए एस से, यहाँ पे सही लिख लेना, ए एस। जब एंगल एंगल साइड लेते हैं तो उसका नाम होता है ए एस, ठीक है? तो इस तरीके से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रेंट होता है तो बाकी हर चीज बराबर होती है, तो इसलिए ए बी बराबर ए सी के होगा। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद है, ये कह रहा है डायगोनल जो है पैरेललोग्राम की डिवाइड करती है उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में, या दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, ये डायगोनल है, ठीक है?
और ये डायगोनल जो है इस पूरे को दो कॉन्गुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। सबसे पहले आप लिखो दिया क्या है, ये लिख दो पूरा यहां तक, नहीं तो मैंने लिखा ए बी सी डी इज पैलोग्राम, ए सी इज डायगोनल, ये पैलोग्राम है और ये डायगोनल है। पता है डायगोनल किसे कहते हैं, सब कोई फिगर बनाते हैं चार पांच साइड वाली, तो उसके कोने को जो मिलाते हैं उसे डायगोनल कहते हैं। तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैलोग्राम, ए सी इज डायगोनल, ठीक है, एंड लिख दो यहां पर। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। तो जिन्हें कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर बता देंगे। इसको मैंने एंगल एक लिख लिया, वन है ये टू, तो देखो ये जेड बन रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए जब जेड बनता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल एक बराबर दो क्यों हो गया, ऐसी एंगल तीन बराबर चार क्यों, तीन लिखा है मैंने, तीन बराबर चार क्योंकि ये भी जेड बन रहा है और ये लाइन क्या है कॉमन, तो ए सी बराबर ए सी आ गया कॉमन। तो ये ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया, इसे बोलेंगे ए एस ए रूल, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये अगली थ्योरम है, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स का मिड पॉइंट मिला दिया जाए तो वो तीसरी वाली के पैरेलल होगी और तीसरी वाली की आधी होगी। जैसे अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया लाइन डाल के और इसको मिला दिया और इन दो ट्रायंगल को क्या कर देंगे कॉन्ग्रेंट। देखो कॉन्ग्रेंट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा सर्वांगसम, जिसमें तीन चीजें बराबर बतानी पड़ेंगी, जैसे यहां पर बताया। ये पता है मैं 1 2 3 4 ऐसे क्यों लिखता हूँ, कि हमें पूरा पूरा नाम लिखना पड़े, आपको फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसको फटाफट देखो, इसलिए मैंने ये फटाफट लिखा है और ताकि आपको आराम से बता पाऊं, ठीक है, ये कर करके समझाता तो उतना टाइम मेरे पास था नहीं, ठीक है। तो पहले गिवन, गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी है जिसमें ई और एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी एंड ए सी के। पता है मैंने क्वेश्चन को लिखा है क्योंकि बच्चे क्वेश्चन याद नहीं करते फिर आंसर कैसे करेंगे। तो ये देखो ये जो लाइन है गिवन वाली, ये क्वेश्चन में से देख के लिखनी होती है। उसके बाद हमें गिवन है ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा, हमने लिख दिया कि ए बराबर ए बी और ए एफ बराबर एफ सी, ए एफ बराबर एफ सी। हमें प्रूव क्या करना है कि ये इसके पैरेलल होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पर आ जाओ, हमने क्या करा इसको हमने मिलाया, ठीक है, और इसको आगे तक बढ़ाया। ठीक है, ये लिखा जॉइन ई एफ एंड एक्सटेंड टू डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, और हमने क्या करा इसको आगे तक बढ़ाया और ये लाइन इसके पैरेलल ले लिया क्योंकि ये तो हमें दे ही रखा था। तो अगर आप ये ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो हमें एक और चीज मानी है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। फिर अब हमें क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें क्या करना है कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो ये कॉन्ग्रेंट इसी कॉन्ग्रेंट की तरह ही होगा, देखो ये जेड बन रहा है तो एक बराबर दो क्यों हो गया और ये वर्टिकली अपवर्ड एंगल है, देखो यहां पर ये वाला यूज हो गया कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, जब कांटा लगता है ना तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, इसे बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड एंगल, और ये इसके बराबर होगा और ये एक लाइन है ये मिड पॉइंट है तो ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से के बराबर होगा, ये हमें गिविन है, गिविन नहीं है रहा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब फिर ये कॉन्ग्रेंट हो गया क्योंकि तीन चीजें बताओगे कॉन्ग्रेंट पाओगे। कॉन्ग्रेंट हुआ कैसे, दो एंगल के बीच की साइड ली है, जब दो एंगल के बीच ये एंगल है ये एंगल है इसके बीच की साइड लेंगे तो ये ए ये भी ए बीच में कौन है एस, तो ए एस से रूल हो गया।
तो हमने ए एस से रूल लिख दिया। फिर सीपीसीडी से आएगा ई एफ बराबर एफ डी और ए बराबर सी डी आ जाएगा, मतलब हमने ये इसके बराबर कर दिया और ये वाला इसके बराबर कर दिया। अब आप देखो ये हमें इसके बराबर दे रखा है, दे रखा नहीं, ध्यान सुनो, ये इसके बराबर दे रखा है और ये हमने इसके बराबर कर दिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, मतलब इसके पास चार रुपये, इसके पास चार रुपये है, इसके पास चार रुपये, इसके पास भी चार है, तो ये चार इस चार के बराबर होगा, होगा। तो हमने ये लिख दिया, पहले लिख दिया ए बराबर ई बी गिवन है, तो फर्स्ट और सेकंड से सी डी बराबर ई बी आ गया, मतलब सी डी बराबर ई बी आ गया, समझ में आ गई, ये आ गया। उसके बाद हमने लिखा ए बी पैरेलल सी डी के, पर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। अगर देखो ये जैसे कॉपी है ना, कॉपी की ये लाइन इसके पैरेलल है ना, इसको काटेगी नहीं ना, तो आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हो फिर भी वो पैरेलल रहेगी। ऐसे ही हमने क्या करा, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो हमने इसको छोटा कर दिया, ये इसके पैरेलल होगा नहीं होगा, होगा। जब इतनी बड़ी लाइन इसके पैरेलल है तो छोटी लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, कि अगर किसी फिगर में आमने वाली साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया, और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये वाली साइड भी इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी पैरेलल हो जाएगी। जब ये साइड पूरे के पैरेलल है तो ये साइड इसकी भी पैरेलल होगी, और हमें यही प्रूव करना था कि ये वाली साइड इसकी पैरेलल होती है। और याद रखना ये वाली साइड इसकी डबल होगी, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 100 है तो 50 होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा। नीचे वाली साइड बड़ी होती है, ऊपर वाली छोटी होती है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है तो ये आधी हो गई, इसलिए, ठीक है, ये आ गया हमारा। देखो ये बी सी पैरेलल है ई डी के, बी सी बराबर है ई डी के, तो बी सी पैरेलल ई डी के, तो हमने इसको शॉर्टकट कर लिया, बी सी पैरेलल ई डी, इसलिए बी सी पैरेलल ई है, ये देखा ना, बी सी जो है वो पैरेलल ई डी के, इसलिए बी सी पैरेलल है ई एफ के, क्योंकि जैसे हमने यहाँ लाइन को छोटा करा था ऐसी लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, पैरेलल फिर भी रहेगी, पैरेलल फिर भी रहेगी। देखो हो सकता है आप अगर पहली बार देख रहे हो तो समझ ना आ रही हो, ये रिवीजन के तौर पर वीडियो है, जिससे कि मैं आपको रिवाइज करवा सकूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, और जो बच्चे बाद में देखेंगे उनको तो बेनिफिट हो गई होगा। अब उसके बाद आ जाओ, इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल सबट्रैक्ट इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये कह रहा है अगर कोण इक्वल होंगी तो जो उससे एंगल बनते हैं सेंटर पर वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये कोण है एक सर्कल की, ये कोण है, कह रहा है ये दोनों इक्वल है, तो कह रहा है इनसे जो एंगल बनते हैं, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो कह रहा है ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखो यहां पर भी कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, तो गिवन क्या लिखेंगे या क्वेश्चन में से, इक्वल कोर्स है तो गिवन अ सर्कल की सेंटर ओ, जब इस सर्कल वाला क्वेश्चन है तो ये लिखता करो इसका सेंटर ओ है, क्योंकि ओ ही लेते हैं हम, जिसमें ए बी बराबर सी डी है, ये तो हमें दे रखा था इक्वल कोर्स, ये कोर्ड इसके इक्वल है, हमें दे रखा है। टू प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ में आ जाओ, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी, क्योंकि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब आप कहोगे कि कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर बुक में तो पिक्चर ऐसे बने हुए हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी, क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल में जो रेडियस होती है वो बराबर होती है, और ये इसके बराबर है, तो किससे प्रूव हुआ है? ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ किससे हुआ, तीनों एस एस एस, तो एस एस रूल से, खाली यही प्रूव करना था हमें, इसमें सीपीसीडी तो करना नहीं था, तो ये हमारा आंसर आ गया। सीपीसीडी के फुल फॉर्म होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
congruent triangles are equal. ठीक है, अब ये इसकी कन्वर्स थ्योरम है. कन्वर्स थ्योरम ये कहती है डियर कि अगर एंगल इक्वल है तो जो कोण है वो भी इक्वल होगी. तो देखो इसका उल्टा कर देना है, जो इसमें गिवन था वो टू प्रूफ में लिख देना है और जो टू प्रूफ में वो गिवन में लिख देना है. इस वाले में आप देख सकते हो, ये हमने गिवन में लिख दिया, ये हमने टू प्रूफ में लिख दिया, उल्टा कर दिया ना. और कॉन्ग्रुएंट करना है, देखो जो गिवन में था. ठीक है, अच्छा एक चीज रुको, यहां पर हमने एक चीज नहीं करी ना, हमें तो ये प्रूव करना था इक्वल एंगल, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था. यहां पर आप लिखोगे AOB बराबर होगा COD CP CD, सॉरी इसके लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर इक्वल, ये लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हमें ये लाना था ना. अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में जो गिवन है वो टू प्रूफ हो जाएगा, जो टू प्रूफ है वो गिवन हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ये ना पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले, तो मैंने दोनों स्टेक रहा है, क्वेश्चन याद रखना. इस वाले में बोला अगर एंगल इक्वल है, जो पहले लिखा है वो गिवन होता है, इसमें जो पहले क्या लिखा था इक्वल कोर्स, तो कोर्स गिवन थी. इसमें क्या लिखा है, पहले एंगल इक्वल है तो एंगल गिवन है. ठीक है, तो ये वाला वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये मैं प्रूव करना है. ठीक है, तो हमने वही करा, ए बी बराबर सी ओ डी और ए बी बराबर सी डी हमें प्रूव करना है. हमने इसे कॉमन कर दिया, देखो वही सेम करा है. ये वाली रेडियस इस वाली रेडियस के बराबर, या इसके ले लो, ये वाली इसके बराबर, या इसके ले लो. ठीक है, जो ट्राइंगल बनाना है उसके ऊपर, तो ये और ये हमें प्रूव करना. तो और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के बराबर दे रखा है, ये मैंने लिख दिया गिवन है, कॉमन हो गया. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी बराबर सी डी सी पी सी टी. ठीक है, उसके बाद ये एक सर्कल है, इसमें ये कह रहा है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है ना, वो सर्कमफेरेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है. मतलब कहने का ये है, अगर 60 का है तो ये 120 का होगा, ये हमें प्रूव करना है. तो देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये हमें क्वेश्चन में से लिखनी होती है. ठीक है, तो देखो एन आर्क पी क्यू, ये आर्क है, इसे चाप कहते हैं. तो अगर एक चाप है, इससे एक यल एंगल बन रहा है और इससे यल एंगल बन रहा है, पहले ये लिख दिया. फिर प्रूव क्या करना है कि पीओ क्यू बराबर डबल होगा पीओ पी के, इसे पीओ क्यू है, ये पीओ क्यू के डबल होगा. फिर कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया हमने, एओ को मिलाया, इसको आगे तक बढ़ा दिया. अब इस पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये देखो ये इस रेडियस है, ये भी रेडियस है. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं. तो हमने इसको एक, इसको दो मान लिया, तो एक बराबर दो क्यों होगा. यहाँ लिखा रेडियाई ऑफ सर्कल, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल, मतलब जब साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है, और इसमें एक और आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल है, जो बाहर वाला जो एंगल है अंदर वाले के टोटल के बराबर होता है. अगर ये 100 है, ये 70 है, तो ये 30 का होगा. तो यानी कि 1+2 बराबर होगा 3 के. ठीक है, ये देखो अगर स्पीड तेज लग रही होगी ना, तो आप स्पीड धीरे कर लेना, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर वीडियो है. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, अब सुनो, ये दोनों बराबर है और इन दोनों का टोटल 3 के बराबर है, तो हमें ये वाला और ये वाला ट्रायंगल चाहिए ना, सॉरी एंगल चाहिए. तो मुझे दो की जरूरत नहीं है, तो दो और एक बराबर है, तो मैं दो की जगह भी एक लिख दूंगा. देखो मैंने एक एक लिख दिया, तो ये कितने हो गए, दो एंगल एक हो गए. फिर सिमिलरली कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 1, 2, 3 लिया था, ऐसे मैंने 4, 5, 6 मान लिया. तो जैसे हमने प्रूव कर दिया कि 3 जो है वो एंगल एक का डबल है. बच्चे यार ना, अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए ये 40 डिग्री का, तो कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा. ऐसे हमने कहा कि ये 70 का, तो कितने का होगा, 140 का, क्योंकि ये 6 है, ये 4 है, तो यहाँ ये वाला एंगल इस वाला एंगल का डबल होगा.
तो हमने यहाँ पे इसे दोबारा लिख के दिखाना नहीं पड़ता, सीधा सिमिलरली लिख देते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया, दोनों में दो कॉमन ले लिया, एक प्लस चार का नाम क्या है, और इधर तीन और छः को हमने यहाँ लिख दिया। अब एक प्लस चार का नाम क्या है, एक और चार का नाम है पी ए क्यू, और तीन और छः का नाम क्या है पी ओ क्यू। बस ये हमने प्रूव कर दिया। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसका आधा है, तो आपको क्या करना है, इस दो को बटे में ले जाना, इसलिए मैंने डब्बा डाल दिया। अगर ये पूछेगा ना हाफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा था कि डबल होगा, क्या होगा डबल, और अगर यहाँ पे हाफ लिखा आ जाए तो हमें करना सेम ही है, बस इस दो को अपॉन में दिखा देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद ये पांच लेटर में आपने पढ़ा होगा ये कि एक लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, तो हमने माना कि सी पॉइंट हमें गिवन है। अगर इस सी गिवन है तो ए सी बराबर किसको को बी सी, जो मिड पॉइंट होता है उसके दोनों टुकड़े बराबर होते हैं, होते नहीं होते। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि एक लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट ए बी हैज ओनली वन मिड पॉइंट। फिर कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ, हमने डी लिया, ठीक है, तो डी लिया, डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमने मान लिया। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, इसको खोल लेंगे और इसको खोल लेंगे। देखो ए सी बराबर बी सी लिखा, पहले ए सी को खोलो, ए सी नहीं खोल सकता, बी सी को खोलो, बी सी को खोलो, सी डी प्लस डी बी ऐसे, फिर ये वाला उतार लिया। अब इसको खोलो, ए डी खोल सकता है, हाँ ए सी प्लस सी डी, और डी बी नहीं खोल सकता। तो अब ये देखो डी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देखो डी बी लिखो बी डी लिखो बात एक है, जो डी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए सी की जगह ए सी आएगा, ऐसे लिखेंगे, देखो पीछे दिखाऊंगा, ए सी की जगह ए सी, सी डी की जगह सी डी, और बी डी की जगह क्या आ जाएगा ए सी प्लस सी डी। तो ये देखो ये आ गया, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो सी डी सी डी टू सी डी, ए सी उधर जाके माइनस का हो गया, ए सी में से जगह जीरो तो दो बटे में चला गया, सी डी बराबर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, इसका मतलब बोलेंगे एक लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है इससे मतलब शो करके दिखाओगे, जो डायगोनल होती है ना रोमबस की वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये जो डायगोनल होती है रोमबस की ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो हमें इसको 90 प्रूव करना है, तो एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे और एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे, तो इसे भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख दिया, रोमबस है तो हमें ये सब दिया होगा बराबर, ये भी बराबर होगा, हमें प्रूव करना है कि ये सारे एंगल जितने भी 90 के हैं, ठीक है 90 के, फिर प्रूफ में आ जाओ। तो हमने इन दो ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। देखो ये साइड इसके बराबर है, रोमबस में बराबर होती है, अगर ये लाइन ना होती तो ट्रायंगल ना बनते, है ना, और ये इसके बराबर है, ये दे रखा है, तो बस ये दोनों बराबर हो गए। अब बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है, ये दोनों बराबर है पर एक लाइन का टोटल कितना होता है 180, तो आधा आधा बांट लेंगे 90-90। थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बताया, ठीक है, ए ओ डी बराबर सी ओ डी आ गया। पहले हमने इन दोनों एंगल को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्या कर दिया बराबर, फिर उसके बाद सेम पुट करके इसको 90 ला दिया, और ये प्रूव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ऑल द बेस्ट, और भी तैयारी करो, ये केवल ऊपर ऊपर से देख लो सारा, अब आपने पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट याद रखो, क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट आया है, और थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, केयरफुल टेक केयर, साल्टी।